राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई 3 यानी कि डंकी फिल्म का आज ड्रॉप 2 रिलीज हो चुका, जो कि लुटपुट सॉन्ग था। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे मुन्ना भाई 3 क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट और डंकी 2 के ट्रेलर का रिव्यू दोनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले, आपने राजकुमार हिरानी की सारी फिल्में देखी होगी जिन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं बनाई, और मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, ये दोनों फिल्में भी बहुत ही शानदार थी। इसलिए राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई 3, जिसका नाम मुन्ना भाई चले अमेरिका होने वाला था, उस फिल्म की आधी कहानी हिरानी सर ने खुद लिखी थी, जहाँ इस बार मुन्ना और सर्किट दोनों अमेरिका जाने वाले थे। लेकिन मुन्ना और सर्किट के कांड तो आप सभी को पता ही है, तो इन्हीं हरकतों की वजह से मुन्ना सर्किट को वीजा नहीं मिलता और वो इल्लीगली अमेरिका जाने की तैयारी करती है, और यही सेम सिचुएशन हमें शाहरुख खान की डंकी फिल्म में भी दिखाई गई है। और मजे की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले ही संजू बाबा और अर्शद वारसी यानी मुन्ना सर्किट के दोनों सीन्स इस फिल्म में शूट होने के रूमर्स है, इसलिए शाहरुख खान की डंकी को मुन्ना भाई 3 भी कहा जा रहा है। बात करें डंकी के ड्रॉप 2 की, तो ये शाहरुख खान और बाकी सारे कैरेक्टर्स के अर्ली लाइफ पे बेस्ड है, जहां सब बाहर देश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यही अंदाज हमें लुटपुट गया इस गाने के बैकग्राउंड सर के कपड़ों पे भी दिखाई देता है। ओवरऑल ड्रॉप 2 बेहतरीन था, जहां हमें फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, बस हार्डी सुखी और बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि वो कैसे अमेरिका जाने के लिए मरे जा रहे हैं, और हाँ, लिटरली वो फिल्म के एंड में क्या पता मारे जाए। तो आपको डंकी का ड्रॉप 2 यानी कि लुटपुट सॉन्ग कैसा लगा, कमेंट कीजिए, और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।